सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से आ रही है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने हाल ही में ही डॉक्टर सीमा सिंह को आगरा जोन का प्रभारी और उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक आगरा खंड का उम्मीदवार घोषित किया था। आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर सीमा सिंह ने अपने पार्टी प्रस्तावकों पदाधिकारियों के साथ आगरा कमिश्नरी पहुंचकर आगरा खंड स्नातक विधान परिषद उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार पद हेतु अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर मौजूद पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पात्रे, अरुण कुमार सिंह, गोविंद सिंह सचिदानंद, श्रीमती रीना सागर, श्रीमती रूमा, इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह उर्फ जीतू भाई द्वारा आगरा खंड शिक्षक विधान परिषद उत्तर प्रदेश ने भी नामांकन दाखिल किया। मैं डॉक्टर सीमा सिंह, स्नातक एवं की प्रत्याशी आगरा खंड से स्नातक का चुनाव लड़ रही हूँ, और मैं संगठन और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी जसवीर सिंह सोनी जी और उपाध्यक्ष जी ने आज मेरा नामांकन करवाया है, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो लोग सब मेरे साथ यहाँ आए और उन्होंने नामांकन करवाया। और मैं सभी अपने जितने भी वोटर्स हैं उनसे सबसे अपील करूँगी कि वो जो है मुझे विजय बनाए। और आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी द्वारा समर्पित प्रत्याशी डॉक्टर सीमा सिंह का खंड स्नातक MLC हेतु आज नामांकन दाखिल कराया है, जिसमें उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मानीय श्री सुरेंद्र कुमार पात्रे भी मौजूद रहे। मैं जसवीर सिंह सोनी, प्रदेश अध्यक्ष पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, स्वयं मौजूद रहा। इसी के साथ इनको विजयी बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की जो हमारी डॉक्टर सीमा सिंह जो मथुरा में प्रवक्ता हैं इंटर कॉलेज में, आज उनको यहाँ कमिश्नरी आगरा में खंड स्नातक आगरा का नामांकन दाखिल कराने के लिए हम लोग और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जसवीर सिंह सोनी एडवोकेट साहब आए हैं, तमाम साथी आए हैं, और हम लोग अब पूरे क्षेत्र में जिसमें आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल के साथ साथ कानपुर मंडल के 4 ज़िले इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद और कन्नौज आते हैं, हम लोग 12 ज़िलों में अपनी उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे।